असलमकम सत श्रीकाल नमस्ते आदाब तो कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में कुछ क्या सऊदी अरब में कभी रेप वगैरह होता है क्या या कभी ऐसा हुआ भी है क्या तो मैं आपको एक न्यूज़ बताने वाला हूँ जो कि बावन साल की जेल हुई है और सात हजार कोड़े मारे गए हैं क्योंकि यहाँ पर चार पांच ऐसे सऊदी प्लस गैर मुल्की को पकड़ा गया है जिन्होंने बलात्कार किया सऊदी की लेडीज से वो भी पूरी फैमिली के सामने में ठीक है तो मैं ये न्यूज़ आपको बताने से पहले बोलूँगा कि अगर आप बच्चे हैं तो इस वीडियो को मत देखिए आप अरब में काम कर रहे हैं या काम करने वाले जाने वाले हैं तो आपको अरब के बारे में थोड़ी रूल रेगुलेशन मालूम होनी चाहिए मुस्लिम कंट्री खासकर सऊदी अरब का जो कानून है बोले तो हमारे मुंबई का एक भाषा है बहुत हार्ड बहुत हार्ड से भी दस गुना बहुत हार्ड है अजनबी अगर कोई गुनाह करे तो उसके लिए भी वही है जो सऊदी अगर गुनाह करे तो उसके लिए भी सेम है कोई फर्क नहीं है आप चोरी करेंगे तो आपका हाथ काट दिया जाएगा आप गलत काम करेंगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा कुछ केस होगा अगर केस में आप पक्का हंड्रेड परसेंट ब्लेम पाए जाते हो तो आपका गर्दन काट दिया जाएगा और बाद में आपका न्यूज़ किसी से किसी वेबसाइट वाले पब्लिक करेंगे या सऊदी गवर्नमेंट खुद बताएगी कि हमने इस साल इतने लोगों को गला काटा डेढ़ सौ से ऊपर लोगों का गला काटा गया है सऊदी के अंदर में कुछ कुछ न्यूज़ अंदर अंदर से आती है जो हम आपको बता देते हैं ऑफिशियल ऑथेंटिक के कारण तो आइए नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को पूरा देखिए लाए नए नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए वीडियो शेयर कीजिए कमेंट कीजिए लाइक कीजिए आइए न्यूज़ जानते हैं तो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा ऑफिशियली लाइफ इन सऊदी अरबिया एक वेबसाइट है जो वो हर दिन कुछ न कुछ अपडेट शेयर करते हैं इनके पास हिडेन न्यूज आती है जो ये बताते हैं तो यहां पर मैं आपको शेयर कर रहा हूं देख सकते हैं सऊदी अरबिया डॉट नेट करके इनकी वेबसाइट है प्रवासी महिला से गैंग रेप करने वाले को बावन साल की जेल सात हजार कोड़े ठीक है खुलासा हुआ कि बलात्कारी एक प्रवासी के घर में जबरदस्ती बिजली के तारों से बांध कर घुसे थे फिर उन्होंने उसकी पत्नी को अपने कब्जे में लिया उसके आदमी के सामने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ बलात्कार किया बदमाशों ने घर से लगभग दस हजार रियाल ठीक है और आठ मोबाइल फोन भी छीन लिए पुरुष इस बार चाकुओं के साथ एक अलग घटना पर उसी घर में वापस आए और महिला के साथ फिर से बलात्कार किए पहले घर से चोरी किया इन लोगों ने इसके बाद सारा सामान लेकर गए फिर दूसरी दूसरे खेप में दो चार लोग और आए और वो लेडीज के साथ बलात्कार किए और बावन साल की जेल की सजा सुनाई जब उन्हें अपने पति और युवा बेटा के सामने एक महिला मतलब जो बलात्कार किया गया जो हुआ वो पति और बच्चे के सामने किया गया था तो करने का दोषी पाया गया वो लोग बता दिए वे तीन लोग थे ठीक है अल-रियाद दैनिक पतर, अल रियाद में हुआ था ये मामला तीन सऊदी और एक सुडानी थे ठीक है ये कुछ कुछ चीजें उल्टा फुल्टा लिखते तो वैसे मैं पढ़ रहा हूं आपको तीन सऊदी थे और एक सूडानी थे ठीक है तीन सऊदी थे और एक सूडानी थे तो इतने भी होशियार और समझदार नहीं होते सऊदी बहुत ज्यादा समझदार होते और बहुत ज्यादा एच भी होते हैं ठीक है सऊदी अरब के जिद्दा में अदालत ने उसको सजा सुनाई और सात हजार कोड़े मारने की सजा सुनाई तो अब देखो तीनों को नहीं तीनों को चारों को अलग अलग तरीके का सजा सुनाया गया पहली सजा सुनाई गई सत्रह साल का एक सऊदी सत्रह साल की जेल हुई उसको दूसरे को दो को दो दो को ठीक है चार लोग थे ना टोटल तो दो दो को पंद्रह पंद्रह साल की कैद सजा हुई और इसको पंद्रह पंद्रह सौ कोड़े मारने की सजा हुई तीसरे को आखिरी पाँच साल की सजा हुई और पंद्रह सौ कोड़े मारने की सजा हुई सऊदी अरब एक सुरक्षित देश है जो कि फ्रांस की बहुत सारे देशों की दुनिया की देश के लोग रहते हैं लेकिन ऐसी न्यूज बहुत बहुत कम आती है क्योंकि सऊदी में खासकर ऐसा जो मामला है ये बहुत सख्त है और इम्पॉसिबल है कि कुछ ऐसा हो लेकिन मैं आपको बता दूं, ये न्यूज़ पुरानी है नई नहीं, नहीं है क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये वेबसाइट वाले बताते हैं लेकिन डेट नहीं बताते कब की ये नहीं है बट ये न्यूज़ पुरानी है अभी का ताज़ा ताज़ा नहीं है क्योंकि मैं लगभग दो सालों से खबर दे रहा हूं इस बीच में दो तीन खबर ऐसी आई जो किसी छोटे बच्चे को मॉलेस्टेल किया हो या फिर सऊदी अरब में खासकर जो रियायत सीजन चला पिछले साल इस साल सी रिया सीजन चला तो कुछ अलग अलग तरीके के गंदे गंदे कपड़े पहने गए अलग अलग तरीके की हरकत वाली वीडियो बनी वो सब इस साल पिछले साल के हैं बाकी ऐसा कोई रेप का खबर पिछले साल नहीं आया पिछले साल नहीं आया इससे पिछले साल नहीं आया ना इस साल आया खासकर इस साल तो 2023 है जो मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूं तो सऊदी अरब एक सुरक्षित देश है यहां पर आप अकेले दुनिया के सबसे बड़े देश खासकर मैं बता दूं दुनिया का सबसे बड़ा देश अभी कौन है आप मुझे कमेंट करके बताइए मैं नहीं बताऊंगा दुनिया का सबसे सेफेस्ट प्लेस खासकर बताया जाता है पूरी दुनिया में आप अकेले घूम सकते हैं क्या नहीं घूम सकते लेकिन सऊदी अरब के मक्का और मदीना के शहर में आप अकेले घूम सकते हैं क्योंकि सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड वो भी सिर्फ मक्का है और मदीना है अल्हम्दुलिल्लाह ला वहाँ पर अकेली लड़की जाके लेडी जाके वमेन जाके माँ बहन जाके उमरा हज कर सकती है बिना किसी के सहारे अकेले कोई भी कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं करेगा ध्यान रहे अगर आप किसी को गलत नज़र से देखेंगे कुछ वर्ड बोलेंगे गलत गलत इशारे करेंगे तो भी आप पर कानून सेम लागू होता है जो कि एक कानून चोरी का होता है या फिर आप किसी को छेड़ रहे हैं तो वो भी सेम ही होता है सऊदी अरब का कानून बहुत ही सख्त है अगर आप इस तरीके से कोई भी गलत हरकत करते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा ना कोई रियायत दी जाएगी हो सकेगा तो आपको पचास साल या पंद्रह साल की जेल हो जाए और पाँच लाख बीस लाख पचास लाख या एक करोड़ रियाल का जुर्माना लगाया जाए जो आप भरते-भरते, भरते भरते आपका घर द्वार ज़मीन गाड़ी सब बिक जाएगा फिर भी आप नहीं भर पाएंगे तो ये सारे जो कांड है, खासकर पाकिस्तान के लोग और खासकर ये और भी सूडानी या फिर सऊदी लोग करते हैं अपने इंडिया के जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो, जीरो परसेंट में एक आक एक आग कोई निकला हो सो निकला हो बाकी कोई ऐसा कभी नहीं निकला तो को बहुत प्राउड होता है कि अपने इंडिया की ऐसी कोई न्यूज नहीं आती जो हमारे इंडिया का नाम झुके बहुत शुक्रिया जो अपडेट मैंने बताया आपको पूरा देखा आपने? सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अल्लाह हाफिज